दोस्तों राजमा चावल तो आप लोगों ने खाया ही होगा, भारत में तो राजमा चावल बहुत ही प्रसिद्ध है। तो दोस्तों चलिए आज मैं आपको दिखाऊंगी राजमा पराठा कैसे बनते हैं, लेकिन माने बहुत ही टेस्टी बनेंगे, आप ज़रूर बना के देखिएगा। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर वाइट राजमा और रेड राजमा लिया है, दोनों 50-50 ग्राम है। तो आप एक भी तरह का आप डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों डालिए। तो इसे मैंने एक नाइट के लिए भिगो कर रखा था, मतलब 6 घंटे के लिए। तो ये अच्छी तरह से भीग चुके हैं, तो इसे हम कुकर में डाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसे अच्छी तरह से धो लिया है और इसे कुकर में डाला है। आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, पानी का आप ज़्यादा इस्तेमाल मत कीजिए। जब तक ये पकता है तब तक हम यहाँ पर गेहूँ के आटे को तैयार कर लेंगे। तो ये गेहूँ का आटा है 200 ग्राम। तो इसमें मैंने थोड़ा सा नमक और 2 चम्मच ऑयल डाला है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके इस पर पानी डालेंगे। तो आप गेहूँ को आटे को किस तरह से तैयार करेंगे आप देख लीजिएगा, आपके पसंद के हिसाब से। मतलब अगर आपको पराठा क्रिस्पी चाहिए तो आप आटे को कड़क लगाइएगा, अगर आपको पराठा सॉफ्ट चाहिए तो आटे को आप मुलायम बना लीजिएगा। तो मैं आटे को थोड़ा सा मुलायम ही रखूँगी और इसे आधे घंटे के लिए ढककर रख देंगे हम। तो मैं यहाँ पर वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए। तो यहाँ पर कुकर भी सीटी लगा चुका है, मैंने यहाँ पर 4 से 5 सीटी लगा लिया है। तो आप राजमा को अच्छी तरह से भिगो लीजिएगा, नहीं अगर नहीं पके तो पेट दर्द कर सकता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर आमचूर पाउडर लिया है 1 टीस्पून और 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक, जीरा, कलौंजी और अदरक लहसुन और 2 बड़े प्याज, हरा धनिया और थोड़ा सा मेथी लिया है। तो इन सबको बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हम गार्लिक और लहसुन को यहाँ पर मैंने मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और इसमें अभी मैंने डाल रही हूँ मैं राजमा। तो राजमा को भी हम ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों ये ठंडे हो चुके हैं, तो आप गरम गरम मत डालिएगा। तो इस तरह से हमें इसे ग्राइंड कर लेना है, बिल्कुल अच्छी तरह से ये पेस्ट हो चुका है। तो बाकी के राजमा को भी हम इसी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। तो मैंने ग्राइंड कर लिया, तो बाकी सारी इंग्रीडियंट्स इसमें डाल देंगे। तो दोस्तों राजमा हमारे हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है, आप सबको पता ही होगा। तो राजमा खाने से दिमाग को बहुत ही फ़ायदा पहुँचता है दोस्तों। तो राजमा में विटामिन के की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए विटामिन के जिसमें भी होता है वो हमारे नर्वस सिस्टम को बूस्ट करता है, तो ये बहुत ही फायदेमंद है। तो चलिए अभी बनाते हैं पराठे। तो आटा भी अच्छी तरह से सेट हो चुका है, तो मैंने यहाँ पर एक फ्लोई लिया है। इस तरह से आपको इसे प्रेस करके राजमा का जो पेस्ट है इसमें स्टफ कर लेंगे हम। तो देखिए इस तरह से आपको इसे प्रेस करते हुए अंदर तक इस तरह से प्रेस करते तो इसे तोड़ लेना है लोई को और इसे ऊपर से भी हम अच्छे से प्रेस करके अभी इसको पराठा बनाएंगे। तो आप इसे किनारों से ही बेलिएगा, जो मध्यम भाग है उसमें आप मत बेलिएगा, किनारों से बेलने से अच्छी तरह से पराठे बनेंगे। तो मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ का पराठा बना रही हूँ, अगर आप ज़्यादा बड़ा बनाना चाहते हो तो बना सकते हैं। तो दोस्तों राजमा में आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और दोस्तों राजमा खाने से शरीर में ऑक्सीजन की सर्कुलेशन बढ़ती है, तो इससे शरीर को फ़ायदा ही पहुँचता है। तो राजमा बहुत ही फ़ायदेमंद है दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर एक पराठा बना लिया और मैं अभी दूसरा बना के आपको दिखा रही हूँ। तो आपको जिस साइज़ के हिसाब से आपको बनाना है आप देखकर बना सकते हैं दोस्तों। अगर आपको छोटा बनाना है तो छोटा ही लोई काटकर आप पराठा बना सकते हैं, अगर आपको बड़ा बनाना है तो इस तरह से आप बड़ा लोई लीजिए। बहुत ही ईजी है राजमा पराठा बनाना। तो अच्छी तरह से इसे दबा लीजिएगा ताकि स्टफिंग जो है अंदर का वो बाहर ना आने पाए। तो इसे मैंने किचन के प्लेटफॉर्म पर ही बना रही हूँ मैं, क्योंकि अच्छी तरह से इसे क्लीन कर लिया है मैंने। तो इस तरह से प्रेस करते हुए अच्छी तरह से आप बेल लीजिएगा। तो इस तरह से
आप पराठे बना सकते हैं दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर दो पराठे बना लिए हैं। तो मैंने यहाँ पर लोहे का तवा लिया है, इस पे पराठा डाल दिया मैंने। तो इसमें के ऊपर तो थोड़ा ऑयल ज़्यादा ही डालिएगा ताकि अच्छी तरह से क्रिस्पी बनेंगे पराठे। तो दोस्तों आपको ज़्यादा क्रिस्पी पराठे चाहिए तो आप आटे को कड़क लगाइएगा। तो इसका सीक्रेट यही है, आप कोई भी पराठे बनाइए, आटा अगर कड़क हो तो पराठे भी अच्छे से क्रिस्पी बनेंगे, आटा नरम हो तो पराठा भी सॉफ्ट बनेंगे। तो अगर सॉफ्ट पराठा चाहिए तो नरम आटा, अगर क्रिस्पी पराठा चाहिए तो कड़क आटा। तो ये पराठा अच्छी तरह से पक चुका है, सेक चुका है, तो इसे निकाल लेंगे। तो इसी तरह से सारे पराठे बनाकर तैयार कर लेंगे हम। तो अभी दूसरा पराठा जो मैंने बनाया था उसको भी डालकर सेक लूँगी मैं। तो देखिए दोस्तों पराठा बनकर तैयार है। इसे मैंने हरी चटनी और दही के साथ सर्व किया है। तो आप चाहे तो इसे घी, बटर या फिर किसी और चटनी, आम की अचार, किसी तरह की भी चटनी के साथ खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी पराठा बन